नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आपको अपने कुछ पौधों का अपडेट दे देते हैं। ये है, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने 12 इंच के ग्रो बैग में अपने गुलहर को रिपोर्ट किया हुआ है। तो ये है 12 इंच का ग्रो बैग और ये पौधा बहुत ही बड़ा, इसमें अब ग्रोथ स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। तो एक ये है और एक जिसमें मैंने ये बीन्स के बैग लगाए हुए हैं, ये मैंने ऊपर रखे हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। बाकी कुछ 4-5 नीचे भी रखे हुए हैं। और देखिए एक ग्रो बैग मैंने ये तैयार किया हुआ है, इसमें मुझे मूली के बीज लगाने हैं, वो मैं कल लगाऊंगी। और इधर भी है, ये भी रेन रिली में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और देखिए मैंने कुछ गेंदे के बीज डाले हुए थे, तो करीब 10-15 बीज में से मुझे ये 3 पौधे मिले हैं। ये देखिए अब फिर से मैं डालूँगी और ये शायद ऑरेंज कलर वाला गेंदा है, तो थोड़े से ये और बड़े हो जाएं फिर मैंने रिपोर्ट कर दूँगी। और ये मेरे रजनीगंधा के फूल जो बहुत ही जल्दी खिलने वाले हैं। और एक बड्स तो ये भी आ रही है, इसमें भी अंदर होंगी बट मुझे अभी दिख नहीं रही है। और ये देखिए मिले गुलहर में बहुत ढेर सारी कलियाँ हैं, इसमें तो देखिए बहुत सारी कलियाँ हैं। और एक ये खिलने वाली भी है, तो ये है इधर। और ये मेरा चंपा का पौधा। और ये देखिए ये जो टिकोमा था, टिकोमा में भी कलियाँ आ गई हैं। इधर भी है, ये देखिए ये भी टिकोमा। और इधर सब सारे के सारे फुटबॉल लिली रखे हुए हैं, उसे मैंने आपको दिखाया था ना। तो ये देखिए शाम को दिख नहीं रहा था, ये मैंने सारा, ये देखिए मैंने सारा इधर लाइन से लगा दिया है, बड़े बड़े पौधे इधर। ये अभी तो ये उतना ही है जितना मैं ऊपर ला पाई थी। और ये मेरे 4 o'clock के पौधे में भी देखिए कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और एक ही पौधे में मुझे लग रहा है कई सारे कलर है, जैसे ये पिंक है और ये देखिए ये येलो लग रहा है। तो फाइनली ये 4 o'clock का पौधा जो है वो अब ब्लूमिंग पे आ रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आते हैं आज अपने टॉपिक पे। तो आज बात करने वाले थे कि जो हमारे मॉसरोज़ होते हैं ना, वो एक बार फ्लावरिंग दे चुके होते हैं। अब क्या होता क्या है कि अगर हम फ्लावरिंग की इनमें जो फ्लावरिंग्स हो जाती हैं उनके टिप को हटाते नहीं हैं, तो उनमें फ्लावर्स तो आते हैं बट उतने खिल के नहीं आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो फ्लावर्स हमारे खिल जाते हैं इनको कैंची से हमें काट देना चाहिए, इनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग करने से क्या होगा कि प्रूनिंग करने से इसमें नई हमारी जो है वो स्टेम डेवलप होंगी, नई स्टेम डेवलप होंगी तो नई स्टेम पे न्यू बड्स आएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आज हमको किस तरह से, बहुत ज़्यादा डीपली इनको प्रून नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इन्हें छाटना है। और इसके बाद आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़े से एसिडिक मांगते हैं। तो जैसे कि ये गमले रखे हैं, इनमें मैं जो कॉफ़ी का पाउच होता है, 2 रुपये वाली कॉफ़ी का पाउच होता है, आप 1 लीटर पानी में 2 रुपये वाली कॉफ़ी का पाउच घोल के एक बार स्प्रे कर दीजिए, आपको उसका रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस पर स्प्रे किया था बट मुझे अभी प्रूनिंग करनी है, तो मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। और वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सारे जो फ्लावर्स खिले हुए होते हैं ना, इनको ऐसे बस हल्के इनको ऐसे ही काटते जाना है। कैंची आप उठा लीजिए और ऊपर से एक बार इनको ऐसे काटते जाइए रफली, क्योंकि जितनी इनमें नई स्टेम आएंगी ना उतने ही इसमें फ्लावर्स अच्छे खिलेंगे। देखिए इधर भी ऐसे ही करना है और थोड़ा सा आपको अपना दिल मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है जब पौधा कोई भी फ्लावरिंग स्टेज पे होता है या उसमें 1-2 बर्ड्स आ जाती हैं, तो हम उस लालच में पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं। और नतीजा क्या होता है कि हमारा जो पौधा होता है वो 1-2 फूल दे के ही वहीं पे रुक जाता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा पौधा 1-2 फूल दे के रुक गया।
आप अक्सर नर्सरी में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि गुलहड़ के या गुलाब के पौधे पर हमेशा एक से ज़्यादा दो फूल मिलेंगे। नर्सरी वाले भी यही करते हैं कि जब कोई पौधा आप रिपोर्ट करते हैं तो उसकी पिंचिंग वो स्टार्ट कर देते हैं। एक जब ब्रांच होती है उसकी पिंचिंग कर देते हैं, उसी एक ब्रांच से दो तीन ब्रांचें निकलती हैं और उससे पौधा क्या होता है, बुशी हो जाता है। जितना ज़्यादा पौधा बुशी होता है उतनी ही ज़्यादा ब्रांचें होती हैं और फिर उतनी ही ज़्यादा कलियाँ होती हैं, जिससे क्या होता है, हमें लगता है कि ये एक्स्ट्रा कुछ खाद वगैरह डालते हैं। ऐसा नहीं है, पौधे में खाद भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पौधे को फीड की ज़रूरत नहीं होती है। हर पौधा, जैसे इंसान को अपनी दिनचर्या के लिए, खाने पीने के लिए, एनर्जी के लिए दो टाइम के खाने की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह हर पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फूल वाला पौधा है तो फूल को बनाने के लिए, फल वाला पौधा है तो फल को बनाने के लिए भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी उन्हें फर्टिलाइज़र से मिलती है जो उन्हें हम देते हैं। जब हम उन्हें सही फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो सही फर्टिलाइज़र को रिसीव करके उसको पूरा, उसका जो प्रयोग होता है, जो उसका यूज़ होता है, वो उसे उसी तरह से फ्लावर्स या फ्रूट बनाने में करते हैं। पर जब उन्हें हम इनर फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं या उनको उनके मतलब का फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है, तो वो पौधा अक्सर हमारा ग्रोथ रोक लेता है। और या फिर होता क्या है कि इसमें फूल तो आते हैं, फल भी आते हैं, बट उतने मन मुताबिक नहीं आते कि जैसे कि हम इच्छा करते हैं। तो फर्टिलाइज़र पौधे के लिए ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा प्रूनिंग भी पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अक्सर लालच में, आप क्या, मैं भी अक्सर लालच में, जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो एक कलियाई हम सोचते हैं कि खिले, लेकिन अगर उसी वक्त आप अपने दिल पे पत्थर रख लीजिए और उस कली को तोड़कर फेंक दीजिए, तो थोड़े दिन के पेशेंस के बाद आपको एक की बजाय दो या तीन कलियाँ भी मिलेंगी। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि गार्डनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, गार्डनिंग दो चीज़ों पे डिपेंड है। पहला, आपको पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट होता है वो पेशेंस पे ही होता है। गार्डनिंग आपको पेशेंस पे डिपेंड होती है। और दूसरा, आपको पौधों से प्यार होना चाहिए। अगर आपको पौधों से प्यार है, पौधों से लगाव है, तो आप उसकी अच्छी से अच्छी केयर के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जानेंगे एक पौधे को कितनी तरीके से और अच्छी तरीके से आप उसकी केयर कर सकते हैं, उससे फल फ्रूट ले सकते हैं, वो आप अच्छे से अच्छा रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो गार्डनिंग की दो बेसिक चीज़ें होते हैं, एक प्यार और एक पेशेंस। मैंने इसके सारे जो फूल हैं वो प्रून कर दिए हैं और ये अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं। और कभी मेरे पास मॉस रोज़ का एक गमला हुआ करता था, आज मेरे पास कम से कम 25-30 गमले हैं और उतने ही कलर हैं 25-30 मेरे पास मॉस रोज़। इस वक्त तो इसका फूल बंद हो गया है क्योंकि सुबह के ही हैं ये। और ये भी देखिए, मैंने आप लोगों के सामने कटिंग से लगाया था तो पॉट देखिए कितना ज़्यादा भर गया है। अब इसकी भी कटिंग मुझे निकालनी पड़ेगी और जो इतने वाइड वाले गमले होते हैं ना, मुझे उनमें लगानी पड़ेगी। तो ये है मॉस रोज। और ये देखिए रेन लिली के बीच, अभी कच्चे हैं, अभी निकालने वाले नहीं हैं। तो ये देखिए, तो ये था फ्रेंड्स आज का छोटा सा वीडियो जो प्रूनिंग के ऊपर था, कि किसी भी पौधे से अगर आपको फूल लेने हैं तो आपको उस पौधे की कंटिन्यू प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग करने से क्या होगा कि आपके पौधे ग्रोथ पकड़ेंगे और आपको नई ब्रांचेस पे नए नए फूल मिलेंगे। तो ये देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।